कश्मीर का एनआरसी के बारे में विरोध करने के लिए आज हजारों की संख्या में यहाँ वाशी के शिवाजी चौक में लोग जमा हो गए। इसके साथ साथ ये सिर्फ ना हिंदू या मुसलमान का सवाल नहीं है, तो यहाँ महाराष्ट्र के अंदर 66 लाख भटके मुक्त लोग रहते, जिसमें बहुत सारी बंजारा वंजारी और जनजातीय के लोग हैं जो घूमकर जमात है, और ये जमात के बारे में वो रास्ते में ही पैदा होते हैं बच्चे लोग, उनका कोई रजिस्टर नहीं, उनका कोई जनगणना में नाम नहीं, कोई एनआरसी लागू नहीं, तो ये लोगों का नागरिक मुसलमानों के साथ साथ ये लोगों का नागरिक को छीनने का कोशिश केंद्र में जो 3.5% के लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं। मगर कल सायन में पूरी जमात का बहुत बड़ा मीटिंग हुआ पुष्प कमल हाल में, और वहाँ इस कानून का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र में एक दौरा निकालने के लिए डॉक्टर कैलाश गौड़ी, हरमंत पगार और डॉक्टर अनिल सालुके 3 दिन के बाद निकल रहे हैं, और ये कानून का पुरजोर विरोध करेंगे, और जब तक ये कानून हटाएंगे नहीं तब तक हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। इतना ही कहना है कि देश में जातिवाद पे कानून नहीं बनना चाहिए, देश में भुखमरी बेरोजगारी ये सब पे गवर्नमेंट ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। आज हमारी जीडीपी कितना डाउन होते चला जा रहा है, रोजगार नहीं है, रोज रास्ते पे निकलने का मतलब तो ये नहीं है कानून कैसे भी बनाते हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई गलत देश से नहीं आए, सब यहीं के रहने वाले हैं, और कानून बने तो एक जैसा बने, सबके लिए बनना चाहिए। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे कि हर धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम भाई के लिए एक अलग ढंग से कानून नहीं बनना चाहिए और न तो होना ही चाहिए। मेरा एक ही है अमित शाह जी से कहने के लिए, कानून जो भी बनाओ वो देश हित में बनाओ। सिर्फ संविधान को मानना है नंबर दो, और किसी भी हालत में देश में अगर एनआरसी चले या एनपीआर चले या सीए के कानून के ऊपर अमल हो जाएगा तो उसका विरोध के लिए हम लोग सब साथ मिलके अपने बस्तियों में घरों में और एरिया में इकट्ठा काम करेंगे, ये शपथ आज लेनी है। तभी हम सही भारतीय नागरिक इस एनआरसी का सीएए का और एनपीआर का विरोध करने वाले नागरिक है, ऐसा सिद्ध होगा। इतना ही मेरे को कहना है, हम सब लोग इकट्ठा रहे, इकट्ठा रहने की ताकत इस देश को मजबूत बना सकती है, और कोई दूसरी ताकत नहीं है कि जो इस देश को ऊंचाई तक लेके जाएगी। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, सभी लोगों ने सभी कुछ बोल दिया है सीएए और एनआरसी के बारे में, मैं सभी से बोलता हूँ ये दोनों चीज लाए हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दीवार खड़ी करने के लिए, और ये दीवार बनने नहीं देना है हमको। हम हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई है, और यही बात को हम आगे बढ़ाना है, पूरे देश को बताना है कि हम रहेंगे भाई भाई। तो इसके लिए मैं मीडिया में से हूँ, मैं फिल्म्स में हूँ, तो वैसे ही मैं एक सिंपल सॉल्यूशन आपको बताना चाहता हूँ। आजकल मोबाइल और सेल्फी का ज़माना है, हर एक हिंदू भाई हर एक मुसलमान भाई के साथ एक फ़ोटो खींचो और प्रोफाइल में डाल दो और बोलो हम भाई भाई, हम भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई। हाथ से बनता है हिंदू, माँ से बनता है मुसलमान, और हम रहेंगे हम भाई। हर एक जन, हर एक महिला हो अपने दोस्त मुसलमान बहन के साथ फोटो लो, हर एक भाई हो हिंदू मुसलमान के साथ एक फोटो ले लो और अपना प्रोफाइल में डाल दो और पूरे देश में फैला दो कि ये हर एक इंसान देख के बोले कि हाँ, हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई दीवार नहीं बनेगी और बनने भी नहीं देंगे।
मेरा भारत महान, एक साथ बोलिए सभी लोग, मेरा भारत महान। थैंक यू।